केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह धुळे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते। त्यावेळी मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते दोंडाईचा शहरातील शिवाजी महाराज यांच्या पूर्वाकृती पुतळा तसेच महाराणा प्रताप व अब्दुल हमीद यांच्या पुतळ्यांचे अनावरण करण्यात आले। त्यानंतर दोंडाईचाकरांशी भाषणाच्या माध्यमातून संवाद साधताना मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सर्वात प्रथम मराठी भाषेतून संबोधित केले। 2014 पासून 2019 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या सरकारने कामे केली आहे। आता आघाडी सरकार काम करत आहे। आमचे सरकार असो किंवा कुठल्याही पक्षाचे सरकार असो, आम्हाला विकास साधायचा आहे, असे देखील यावेळी राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केले। घुसखोरी करणाऱ्यांना आम्ही आपल्या देशात मारू शकतो, तर त्यांच्या देशात घुसून देखील मारण्याची हिम्मत आम्ही ठेवतो, असं म्हणत पाकिस्तान व चीनला गंभीर इशारा देखील त्यावेळी त्यांनी दिला। लोकार्पण आज आहे आणि टाळ्या वाजवून स्वागत करू या राजपथचं। हे लोकार्पण झालेलं आहे। मान्यवर अतिथी यांनी मोबाईल बटन दाबून या राजपथचं लोकार्पण केलेलं आहे। रावजी पाटील, श्रीमती कुसुमताई निकम जिला परिषद उपाध्यक्ष, श्री प्रदीप नाना करपे महापौर भुले, डॉक्टर प्रवीण विक्रम मुख्य नगराधिकारी नगर पालिका, निखिल कुमार यादव शहराध्यक्ष प्रवीण महाजन और सबका नाम तो आ गया, श्रीमती सीमा पेटकर जो मंच का संचालन कर रही थी, अदनाब अहमद शेख और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं मराठी नहीं बोल सकता इसलिए हिंदी में बोल सकता हूं, आप समझेंगे। तुम्ही सगले कसे आहात? खूप छान, खूप छान, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। आपको कोई चूर चूर नहीं कर पाया था। पहली बार औरंगजेब की बड़ी सल्तनत के अहंकार को चूर करने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी ने किया। आज भी केवल महाराष्ट्र में बल्कि भारत के कण कण में छत्रपति महाराज शिवाजी की स्मृति विराजमान है। और हकीकत यह है कि जब भी मैं महाराष्ट्र की धरती पर आता हूं, छत्रपति महाराज जी की याद स्वाभाविक रूप से मुझे आती है और इस धरती पर आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं। और मैं बधाई देना चाहता हूं जय कुमार रावल, जो आपके